निर्मल ग्राम दुरहुल की जनता का पीने की पानी को ले सूख रहा है फेफड़ा। खुद की प्यास बुझाने में विवश कुएं के सहारे दुरहुल के 60 परिवार निर्भर। लोहरदगा जिले में अभी मई माह का आगमन भी नहीं हुआ है। मई महीने की गर्मी तपिश अभी बाकी है और मार्च में ही लोगों को मई माह की गर्मी का एहसास होने लगा है। यही वजह है कि क्षेत्र के अत्यधिक जल स्रोत लोगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है। बात कर रहे हैं किसको प्रखंड क्षेत्र के निर्मल ग्राम दुरहुल की, जहां पर मार्च महीने में ही लोगों के फेफड़े पानी की पीने की उपलब्धता नहीं हो पाने की वजह से सूखने लगी है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पीने के पानी के जुगाड़ को लेकर क्षेत्र के लोग कोसों दूर जाकर एक आध बाल्टी पीने के पानी जुगाड़ कर किसी तरह दिन रात व्यतीत कर रहे हैं। बता दें कि किसको प्रखंड क्षेत्र के नवाडी पंचायत अंतर्गत ग्राम दुलहुल में लगभग 60 आदिवासी परिवार निवास कर रहे हैं। यहां पर सरकारी विडम्बना कहे या फिर जनप्रतिनिधि की लापरवाही कहे, आज तक इन परिवारों को पेयजल की सुविधा से वंचित रखा गया है। दुरहुल गांव में एक भी जल मीनार का निर्माण नहीं किया गया है। एक चापा नल है, वह भी बीते 2 साल से दर्शक दीर्घा पे खराब पड़ा हुआ है, जिससे मरम्मत कराने में न तो प्रशासनिक अमला आगे आया है और न ही जनप्रतिनिधिगण ध्यान दिए हैं, जिससे गांव के लोगों में नाराजगी व्याप्त है। लोगों का कहना है कि अभी ठीक से गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और एकमात्र कुआं गांव से कोसों दूर पर है, जिसके सहारे हम अभी सभी परिवार किसी तरह पीने एवं नहाने का कार्य कर रहे हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि कुआं भी जवाब देने की स्थिति में आ गई है। ऐसे में इस बार की गर्मी हम गांव वासियों के लिए पेयजल की समस्या को लेकर काफी हैरान और परेशान करने वाली है। मामले को ले मुखिया मंगरी असुर का कहना है कि गांव वालों को पेयजल की व्यवस्था बहुत जल्द ही करा दी जाएगी। वहीं प्रमुख सरिता देवी का कहना है कि मामले को गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए पेयजल विभाग से समन्वय स्थापित कर यथाशीघ्र गांव में पानी की उपलब्धता बहाल कराने की दिशा में सार्थक पहल किया जाएगा। खबर 365 न्यूज के लिए लोहरदगा ब्यूरो अमर गोस्वामी के साथ किसको से हुसैन अंसारी की रिपोर्ट। समस्या है, 2 साल से एक चापाकल है तो खराब है और बहुत समस्या, बहुत लंबा पानी लाने जाते हैं, 1 किलो 1.5 किलोमीटर नहाने का, पीने का पानी, नहाने का भी दोपहर में पानी घट जाता है तो लाते हैं, फिर कुछ पर्व त्योहार ने बार बैठ के पूरा समस्या, बहुत खराब स्थिति है पानी के चलते। अभी गाय बछरू मुर्गी चिंगना चलते पानी उन्हें मिलता है, बहुत दूर से ढोक लाते हैं, बहुत तकलीफ है पानी की बाबा। अरे पानी तो अभी इधर उधर जाके लगे करते हैं, कहाँ से जहाँ जरूरी है नहीं जाएंगे बाबा, बहुत दूर जाते हैं, उधर भी चला जाते हैं, इधर भी चला जाते हैं, नदी नाला में चाहे पानी वहाँ चला जाते हैं। यहाँ पर तो कम से कम 30-35 घर है। हम लोग पानी अभी बहुत दूर से ला के पीते हैं, कुआं बस है, कुआं सूख जा रहा है तो कहीं कुआं इसमें दूर से ढो ढो के लाते हैं, 0.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूरी से लाते हैं। यहाँ लगभग 50 घर होंगे लगते हैं, दुलूर में चापा ना लेको वो नहीं है, क्या करें, पानी नहीं तो हम लोग कहीं कहीं से ढूंढ के पीते हैं। आ रहे हैं अभी आप कितना दूर से? अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।